तो दोस्तों अगला मूव हमारा रहने वाला है श्रीलंका वर्सेस इंडिया के मैच के ऊपर। तो ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करना, वीडियो लेट हो गई है बट आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरा काम नहीं है कि मैं आपको आधे घंटे तक वीडियो के अंदर रखूँ। इसीलिए जो मेन पॉइंट होंगे, जो आपके काम की चीज़ें हैं, वही मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत लोग नए होंगे, पहली बार आए होंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले। उसके अलावा वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे। और मेन बात, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो दोनों टेलीग्राम चैनल्स का लिंक मैंने आपको वीडियो आप लोग जो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ पर ज्वाइन क्यों होना है, क्योंकि इस वाले मैच में जिसकी आप वीडियो देख रहे हो इसकी फाइनल टीम आपको यहाँ पर मिलेगी। और उसके अलावा इस वाले मैच में 1000 रुपये का गिव अवे भी है, लेकिन वो टेलीग्राम पर मैं आपके बताऊँगा कि भाई गिव अवे क्या है, तो जुड़ जाना अगर आप नहीं जुड़े हो तो, ठीक है। अब देखो वीडियो मेरी क्या है, जो मैच का मेन पॉइंट होगा उसी पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट ना तो मैं चाहूंगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो, ना आपका मैं टाइम वेस्ट करूंगा। सबसे पहले पहला ODI मैच है ये, ठीक है। तो दोनों टीमें चाहेगी कि वो इस वाले मैच में विन करें, लेकिन आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, जबकि मेन प्लेयर्स नहीं है, जैसे कि रोहित शर्मा हो गए, उसके अलावा विराट कोहली जो दो ट्रम्प प्लेयर है वो नहीं खेल रहे, उसके बावजूद भी इंडिया की टीम के लगभग 80 से 90% चांस है कि इंडिया की टीम इस वाले मैच को विन कर जाएगी। इसीलिए आपको टीम कॉम्बिनेशन में या तो 6-5 का कॉम्बो बनाओ या 7-4 का, लेकिन 7-4 का कॉम्बो तब बनेगा जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी, ठीक है। बॉलिंग करती है तो आप ये सोच सकते हो कि आप 6-5 का कॉम्बो रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो वेन्यू रहेगा आर परमादासा स्टेडियम कोलंबो में। अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा, रिसेंटली इसी वेन्यू पे 2 मैच हुए हैं और उस वेन्यू की हालत क्या थी मैं आपको बता दूं, लास्ट के जो 2 मैच हुए ना, और उन 2 मैचेस के अंदर दोस्तों यहां पर चेंज नहीं हुआ है। तो इंडिया की टीम चाहेगी, क्योंकि चेज क्यों नहीं आए, उसका रीज़न सीधा सा है कि पिच जो है ना धीरे धीरे स्लो हो जाता है, ठीक है। यानी स्लो होने का मतलब है कि बॉलर्स को हेल्प मिलने लग जाती है, ठीक है। इसीलिए इंडिया की टीम चाहेगी कि वो पहले बैटिंग करे, इंडिया ही नहीं श्रीलंका भी यही चाहेगी कि वो पहले बैटिंग करे, क्योंकि पिच स्लो होगा तो बॉलर्स को हेल्प मिलेगी और बॉलर्स को हेल्प मिलेगी तो विकेट गिरेंगे। इसीलिए दोनों टीमों का पहली चॉइस रहेगी टॉस जीत कर वो पहले बैटिंग करे, ठीक है। ध्यान रहे टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग भी करना चाहेगी, प्लस में वो विनिंग के चांसेस रखती है, बट इंडिया अगर बॉलिंग करती है तो भाई ये चीज आपको पॉसिबिलिटीज नहीं दिखेगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इंडिया को जीतने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, उस चीज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिच की मैंने बता दी, बात आती है प्लेइंग 11 की, तो अविष्का फर्नांडो और पाथुम निसंका दोनों ही लास्ट सीरीज जब इंग्लैंड के खिलाफ इनकी हुई है बहुत बुरी मतलब तरीके से ये हारे हैं, तो दोनों के दोनों ओपन करेंगे। उसके बाद भानुका राजापक्सा वन डाउन आएंगे, ये एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो हिटिंग करके बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है, उसके अलावा और काफ़ी दिनों बाद खेल रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके अलावा धनंजय डी सिल्वा और रमेश मेंडिस, हाई चांसेज है डी सिल्वा खेलेगा। उसके बाद दसुन शंका जो एज ए कैप्टनसी खेल रहे हैं, और फिर वानिंदु हसरंगा जो इस टीम के मेन ऑलराउंडर प्लेयर है, विनोद भानुका एज ए विकेट कीपर खेल रहे, कुशाल परेरा जैसे मेन प्लेयर इस टीम में है नहीं तो वैसे ही ये टीम कमजोर हो गई है। लहरू कुमारा बहुत अच्छा जो है बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करेगा स्पेशली, और डेथ का विकेट टेकर बॉलर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ईश्वर उड़ाना, अकीला धनंजय और लक्षण सनतकन, देखो पिच जो है ना ऐसा नहीं है कि भाई बैट्समैन को ही सपोर्ट देगी, ना ही ऐसा है कि बॉलर्स को ही सपोर्ट देगी, पिच इक्वल डिपार्टमेंट को सपोर्ट देने वाली है। यानी बैट्समैन आएंगे तो बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलेगा, स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर्स को भी मिलेगा, बीच में स्पिनर्स को मिलेगा और एंड में डेथ के बॉलर्स को मिलेगा, ठीक है। तो सारी साइड से आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा। उसके बाद जो है दोस्तों धनंजय और जो अकीला धनंजय और लक्षण सनतकन, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। अगर टीम चाहेगी कि वो स्पिनर्स दोनों के साथ जाए तो यहां से दोस्तों लहरू कुमार को बिठाया जा सकता है। उसके बाद जो है दोस्तों दुश्मंता चामीरा, ये बैटिंग ऑर्डर और ये प्लेइंग 11 जो श्रीलंका की टीम है उनकी रहने वाली है। उसके बाद यहां से ओपनर बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो चामीरा और जो है ईश्वर उड़ाना, ये दोनों प्लेयर मतलब पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करेंगे। डेथ की अगर बात करूं तो लहरू कुमारा डेथ में बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई थी उसमें इन दोनों बॉलर ने डेथ में बॉलिंग की थी, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये 3 बॉलर्स हो गए, हो सकता है कि भाई चामीरा को स्टार्टिंग में बॉलिंग दे और बीच में दे दे ताकि इंडिया के रन रोक सके, और चामीरा इनका मेन बॉलर है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये बात खत्म हुई श्रीलंका टीम की। उसके बाद बात आती है इंडिया टीम की। इंडिया टीम की तरफ से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन दोनों प्लेयर ओपन करेंगे। सूर्य कुमार यादव वन डाउन उस पोजिशन, देखो मैं आपको बता दूं, इंडिया अगर एज ए फिनिशर जाना चाहती है जैसे विराट कोहली जाते हैं, अगर एज ए वो फिनिशर जाएगी तो सूर्य कुमार यादव
पांचवें नंबर पे बैटिंग करेंगे, अगर एज ए फिनिशर नहीं जाएगी तो उस केस में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सूर्य कुमार यादव वन डाउन आएंगे, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के लिए आते हैं। अब यहां पर एज ए कैप्टनसी जो है शिखर धवन है, तो हो सकता है वन डाउन भी आ जाए और आने के चांसेस भी, इसलिए मैंने वन डाउन मेंशन किया है। और जो भी मैन होगा कि भाई वन डाउन आ रहा है सेकंड डाउन आ रहा है, उसका कंफर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं बता दूंगा। तो एक बार अगेन मैं याद दिलाना चाहूंगा, टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मनीष पांडे है, संजू सैमसन और ईशान किशन, इन दोनों प्लेयर्स में से कोई एक खेलेगा, हाई चांसेज है संजू सैमसन खेलेंगे। और अभी रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर बहुत अच्छा बंदे का परफॉर्मेंस भी रहा है, और कैसा प्लेयर है नहीं बताने की जरूरत है, ठीक है। उसके देखो यही तो रीजन है ना, इन प्लेयर के बारे में सारी की सारी जनता को पता है, इसीलिए ये मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें ग्रैंड लीग पे ज़्यादा फोकस करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चाहे आपको कोई भी क्यों ना कहे कि भाई हाई इन्वेस्ट कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये मैच होते ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि GL के लिए बेस्ट मैच है, क्योंकि देखो ये मैच ऐसे होते हैं जिसमें आप ये नहीं चाहते हो कि इंडिया हारे, ठीक है, ये भी नहीं चाहते हो ना, तो और आप ये भी नहीं चाहते हो कि इंडिया के प्लेयर्स फ्लॉप हो, तो आप रिस्क लोगे। जैसे पृथ्वी शॉ पे अगर आपने रिस्क ले लिया, आप पृथ्वी शॉ का विकेट गया तो इंडिया के हारने के चांस कितने ज़्यादा हो जाते हैं इस केस में आप लोग इन इसलिए मेरा तो सजेशन यही है, और मैं आपको वही सजेशन देता हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ। तो अगर स्मॉल लीग ना खेलोगे बेटर रहेगा, बाकी स्मॉल लीग में खेलूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट लेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद मनीष पांडे के बाद जो है संजू सैमसन भी हो गया, हार्दिक पांड्या एक चीज़ बताना चाहूँगा, बंदा बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो अभी इसका जो रोल है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कृणाल पांड्या, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव और नवदीप सैनी में से कोई एक, अगर टीम इंडिया स्पिनर्स के लिए जाती है तो कुलदीप यादव खेलेंगे और नवदीप सैनी नहीं खेलेंगे, अगर वो चाहती है कि भाई फास्ट बॉलर्स के साथ जाए तो नवदीप सैनी खेलने वाले हैं। उसके बाद युजवेंद्र चहल, ठीक है, स्टार्टर में जो है भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर रहेंगे। चहर मैं आपको बता दूं इस टीम का एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो मतलब कि सामने जो टीम है ना पाथुम निशंका और अभिष्का फर्नांडो, इन दोनों को सिर्फ एक सिंगल ओवर के अंदर ले जा सकता है, क्योंकि चहर की बॉलिंग आपने आपने देखी भी है और बताने की जरूरत है भी नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से कोई एक जल्दी जाने वाला है और दीपक चहर को इस चीज़ का एडवांटेज मिलने वाला है, तो चहर इंपॉर्टेंट तो है ही। उसके बाद जो है दोस्तों डेथ की बात आती है, यहाँ से डेथ में भी वही सेम रहेंगे, अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो दोनों बंदे डेथ में भी आएंगे, अगर कुलदीप यादव नहीं खेलते हैं उस केस में नवदीप सैनी जो है डेथ में आएंगे और दीपक चहर के ओवर जो है मिडिल ओवर्स तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये डेटा था दोनों साइड से, ज्यादा टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्ट सर्किट के अंदर वीडियो बनाना पसंद करता हूं। अब बात आती है मेरी स्मॉल लीग की टीम की, जो मैं यूज करूंगा स्मॉल लीग में। सबसे पहले बताना चाहूंगा ग्रैंड लीग की टीम इस वाले मैच की आपको मिलने वाली है, 100% मिलने वाली है, तो ग्रैंड लीग को ज्वाइन करके रखना, कम से कम 4-5 टीम आपको मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऐसा मैच है जिसमें मैं ग्रैंड लीग की टीम आपको देने वाला हूं काफी टाइम बाद, ठीक है। तो चलिए अगर नहीं जुड़े हो ना टेलीग्राम से तो जुड़ जाना, बाकी आपकी मर्जी है। बात आती है अब मेरी स्मॉल लीग की टीम की, वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, अगर संजू सैमसन जो है वन डाउन नहीं आते हैं, मतलब प्लेइंग 11 में ये मेंशन होता है कि सूर्य कुमार यादव वन डाउन आ रहे हैं, तो उस केस में मैं सूर्य कुमार यादव को जरूर लूंगा, लेकिन अभी के लिए देखो मैं बताना चाहूंगा ये फाइनल टीम नहीं है, ये एक डेमो टीम है जो कि स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए, तो ये टीम से आप स्मॉल लीग ज्वाइन कर सकते हो। फाइनल टीम भी ऑलमोस्ट ये है, अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है उसके अलावा सारे प्लेयर खेलते हैं, तो अगर कोई चेंज होता इनकेस तो वो अपडेट टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। तो ये टीम है, आई होप कि वीडियो जहां तक मेरा अंदाजा है मैंने अपने तरीके से बेस्ट दिया है, और मैं आपको अगेन कहना चाहूंगा टाइम वेस्ट से बेटर है कि आप लोग जो है ना मैच की सिचुएशंस को समझो और उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेलीग्राम चैनल से, जो भी भाई नहीं जुड़े वो जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है।